चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? नो थैंक यू। हाँ, कम होम स्वीट होम। कैसा चुक रहा है बच्ची? तुम क्या कर रही हो मोमो? I don't speak Urdu. I no understand. I'm playing with the children sleeping. अरे तुमने अंग्रेजी में सोने का बिल्कुल सही नाम लिया है, sleeping यानी सोना। हाँ तो मैं इंग्लिश में कुछ भी नहीं भूलती। I am not understanding, forget। तुम आज सोने से इंग्लिश में बात क्यों कर रही हो? आजकल सारे बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं फ्राज। अगला मिसरा मैं सुनाऊं? मैं आपको शेर नहीं सुना रही हूँ। I don't ask you line। हाँ जी मोमो, मैं सोच रहा हूँ कि स्कूल में एडमिशन करवा लें। अपना? अरे नहीं भाई, सोने के लिए। लो सोने के लिए स्कूल में एडमिशन की क्या जरूरत है, आप घर में ही सो ले। अरे भाई मैं अपने बच्चे के एडमिशन की बात कर रहा हूँ। किससे? तुमसे यार। ना मेरा कौन सा स्कूल चल रहा है जो आप मेरे साथ एडमिशन की बात कर रहे हैं? मैंने अपने बच्चे को ना स्कूल में नहीं पढ़ाना। अरे तो फिर कहाँ पढ़ाना है? मैं अपने बच्चे को ना घर में पढ़ाऊंगी बकल्लम खुद। तुम कैसे पढ़ाओगी मोमो? इसको तो सिर्फ इंग्लिश सिखानी है ना, तो मुझसे अच्छी अंग्रेजी किसकी होगी? किसकी होगी? नोबडी की। एकदम फर फर बोलेगा मेरा मोती इंग्लिश। तुम कुत्ते को अंग्रेजी सिखाओगी? नहीं बच्चे को। कुत्ते के बच्चे को? चुप। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाय। हाय। आप कौन? आप कौन? आप मेरी नकल कर रही हैं? ना मैं तेरी नकल किस लिए करूँगी, मुझे तो तेरी कॉपी भी नजर नहीं आ रही। मेरी कोई कॉपी है भी नहीं, मैं ओरिजिनल हूँ, वन पीस। और पर तू है कौन? मेरा नाम हया है। क्या हुआ? तेरे कपड़े देख के तो नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा? कि तेरा नाम हया है। तो क्या अब मैं अपने कपड़ों पर अपना नाम लिखवाऊं? है? जल्दी से बच्चा लेकर आए। तूने अपना बच्चा हमारे पास रखवाया हुआ था? अरे आपका बच्चा है ना? हाँ? तो उसे लेकर आए ना जल्दी, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे और भी जगह जाना है। ओके ओके, ला रही हूँ ना अपने पुत्र को। बेहयात, बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे? तू क्या कर रहा है? माँ जी ऐसा क्या इस गाने में? चुप। माँ जी इतना चिल्ला क्यों रही है? ये लड़की कौन है? माँ जी आप नहीं जानती से, ये कट्टो है कतरीना। और तो ये हमारे घर में क्या कर रही है? डांस कर रही है माँ जी फ्री में। अच्छा अब इस घर में डांस करने वाली लड़की आएंगी हैं? ओ माँ जी घर में कहाँ, वो टीवी पर डांस कर रही है देखें। और क्या आला कर रही है वाह वाह। और मैं इस आपा की बात नहीं कर रही हूँ, बाहर खिड़की पर तुझसे कोई लड़की मिलने आई है शहजादे। दरवाजे? हाँ बाहर खिड़की पर कोई लड़की तुझसे मिलने आई है दरवाजे। लड़की आई है? वो भी मुझसे मिलने? हाँ। कौन लड़की है माँ जी? हमेरा। लेकिन मैं तो किसी हमेरा नाम की लड़की को नहीं जानता। झूठ बोलता है तू बेहया। हाँ हाँ बेहया। हया हया आई है। किसको हया आ गई माँ जी? और बाहर हया आई है। किससे? चुप बैठ, चल रख दफा हो दरवाजे पे देख। ओके माँ जी मैं अभी देखता हूँ। हेलो, ये क्या था? गाना था, बैकग्राउंड सॉन्ग। राइटर अक्सर लिख देता है, उसको बड़ा शौक है। ओह, आपका राइटर गाने भी लिखता है? वो तो पता नहीं क्या क्या लिखता है और कहाँ कहाँ लिखता है। दफा करे उसको, वो आदमी है। आप उन्हीं आंटी के बच्चे हैं? हाँ, आप मुझे जानती हैं? नहीं। थैंक गॉड। चलिए लॉन में चलते हैं, मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। देखिए मैं पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने आई हूँ। आप अपने हाथों से पिलाएंगी? जाहिर सी बात है। फिर मैं ड्रॉप्स नहीं पीऊंगा, पूरी बोतल पीऊंगा। अरे मैं तो यहाँ पे बच्चों को ड्रॉप्स पिलाने आई हूँ। तो मैं बच्चा ही तो हूँ। इतना बड़ा बच्चा? अगर आप कहें तो मैं बच्चों वाली एक आधी हरकत भी कर सकता हूँ। क्या? आपने वो गाने सुना, दिल तो बच्चा है, जब दिल बच्चा है तो मैं कैसे बड़ा हो सकता हूँ। तो अब क्या मैं आपके दिल को ड्रॉप्स पिलाऊंगी? उसके लिए आपको मेरे दिल में आना पड़ेगा, और एक बार अगर आप मेरे दिल में आ गई ना तो मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। नबील कौन है दरवाजे पे? जानो ये बहन जी आई है बच्चों को ड्रॉप्स पिलाने। तुम्हारी बहन ये काम करती है? नहीं जानो। दरवाजा बंद करो और अंदर आओ। मैं अभी आता हूँ, आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी आता हूँ। नबील कोई जरूरत नहीं है उन लोगों से बच्चों को ड्रॉप्स मिलवाने की।
क्यों? अरे पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते हैं ये लोग। ड्रॉप्स भी एक्सपायर्ड होते हैं, हमें कोई रिस्क नहीं लेना। मैं रिस्क ले लूं? नबी, उसे कहो हमने हॉस्पिटल से पिलवा दिए, उसे कहो यहाँ से जाए। जानू, उसे अंदर बुला के कह दो ये बात। शट अप नबील, मैं खुद कह देती हूँ। आप ड्रॉप्स पिलाने आई हैं? जी, और आप उनकी बेटी है ना जो अभी आए थे? जी नहीं, मैं खूबसूरत हूँ। खैर वो तो मैं भी बहुत। बहुत। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कंट्रोल जानू। देखिए हमें ड्रॉप्स नहीं पिलवाने। क्यों नहीं पिलवाने? क्या आप नहीं चाहती कि आपके बच्चे पोलियो से महफूज रहे? देखें, आपको आइडिया नहीं है आजकल हुकूमत कितनी सख्ती कर रही है। अगर आप नहीं पिलवाएंगी ना तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। मैं अभी अपने बच्चे को लेके आता हूँ, आप अंदर तो आइए। शरत नबी, तुम अंदर जाओ, जाओ और आप बाहर जाइए। ऐसा मत करें, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को ड्रॉप्स पिलवा दें। क्यों? देखें, मैं एक बहुत गरीब लड़की हूँ, पहले मैं सिग्नल पे गाड़ियाँ साफ करती थी। अब जब से मैं हिट हो गई हूँ मुझे ये जॉब मिल गई है, मुझे एक बच्चे पे पूरे 200 रुपए मिलते हैं। क्या? ड्रॉप्स पिलाने पर? हमें ड्रॉप्स नहीं पिलाने। क्या हुआ जानू? मैंने उसे मना कर दिया। एक औरत ही ऐसा कर सकती है जानू? कमरे में चलो, चांदी को नहलाना है। मैं भी आता हूँ जानू। नबील, फौरन कमरे में चलो मेरे साथ। ओके जानू। कौन? जी मैं। मैं कौन? मुझे नाम नहीं पता। तुझे अपना नाम नहीं पता? नहीं, आपका नाम नहीं पता। और मैं तेरा नाम पूछ रही हूँ। बताया तो था। क्या इसका मतलब आपने मुझे पहचाना नहीं है? और नहीं, कौन है तू? मैं आपको इनाम देने आई। है? आपके बच्चे के नाम लकी ड्रॉ निकला है। ये बड़ी वाली को या छोटी वाली को? छोटे वाले का। नाम क्या है उसका? कॉपर। आपका बच्चा अंग्रेज है? हाँ, यस यस, ही इंग्लिश बेबी। इंतकाम दे सुरैया। इनाम? तेरा नाम इनाम है? मेरा नाम तो हया है, पर मैं अंदर आके गिफ्ट दूंगी ना। है? आजा शाबाश, जल्दी आजा, आजा फिर आजा। कौन जल्दी? अरे अपने बच्चे को लेकर आए। ओए खबरदार, जो उसको जल्दी बुलाओ। अच्छा ठीक है, मैं उसे जल्दी नहीं बोलूंगी, आराम आराम से कहूंगी। लेकर तो आए उसे। अच्छा ठीक है। आ गया मेरा शेर। काए काए? मैं इसको शेर कहती हूँ ना। ओह, लाए इधर दे। पहले नाम तो दिखाओ। पहले मैं इसे ड्रॉप्स तो पिला दूं। ड्रॉप्स? हाँ, पोलियो के ड्रॉप्स। ओए याद आ गया, तू तो वही है पोलियो वाली मनुस। नहीं नहीं, पोलियो वाली नहीं, पोलियो के ड्रॉप्स वाली। आई खबरदार जो मेरे बच्चे के पास आई। ड्रॉप्स तो मैं इसे पिला कर ही रहूंगी। बचाओ बचाओ, रुपया बहुत पियो। रुपया ये ना मेरे डंडे को ड्रॉप्स पिलाने लगी थी। ड्रॉप्स तो मैं ऐसे पिलाकर ही रहूंगी। आए बचाओ, आए 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 बचाओ, हम बचाए। आए तेरा मुक्का लाओ, आए रख तेरा तेरा, बचाओ बचाओ मुझे। ओए शाश, खून खून हो गए, खून। माँ जी, खून कहाँ निकला इसका? चुप है सलीम। अरे इस घर में दिन में कोई सो भी नहीं सकता यार। है? अरे ये लड़की कौन है और ये यहाँ क्यों सो रही है? माँ जी क्या हुआ? तेरी बहन ने इसको डंडा मार के गिरा दिया। ओ माँ जी, बीवी ने? खूबसूरत, तुमने एक मासूम और ब्यूटीफुल लड़की को गंदे डंडे से मारा है? ओ गंदे अंडे होते हैं डंडे नहीं। नहीं नबील, मैंने तो हल्के से मारा था। हल्के से नहीं, डंडे से। नबील ये लड़की तो, हाँ हाँ महमूद साहब, ये मर गई है, मुझे पता है। हाँ हाँ ये मर गई है। अरे इतनी प्यारी खूबसूरत लड़की पहली मर्तबा एपिसोड में आई और तुमने इसे मार दिया। क्या पैसे ज्यादा मांग लिए थे इसने? जानू, तुम्हें कम से कम फांसी की सजा तो होगी। नहीं नबील। लेकिन जानू तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे पापा से पैसे लेकर महंगे से महंगा वकील करके ना तुम्हें फांसी से बचा लूंगा। थैंक यू नबील। हाँ जानू, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कम से कम उम्र कैद तो होगी। नबील। जानू तुम्हें चांदी की फिक्र है ना? लेकिन तुम उसकी फिक्र नहीं करो, अब उसकी फिक्र उसकी सुतेली माँ करेगी। क्या? हाँ उसको भी आके जरा रामखोर को काम करने देना, मैं उसे याची नहीं करने दूंगी इधर। अरे आप लोगों ने तो पूरी प्लानिंग भी कर ली है। अभी नबील ने आग जो मारी थी। क्या जानू, तुम आग वहां को छोड़ो जानू,
तुम ये सोचो तुमने डंडा मारा है तुम्हें सजा तो मिलेगी। सजा तो मुझे तब होगी ना जब कोई पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। ये तुमने अच्छा याद दिलाया जानू, महमूद साहब पुलिस को फोन करें यार। वो जो पुलिस को करना है वो फोन है। हाँ जी यार, तुम लोग मुझे बचाने के बजाय पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हो। जानू तुमने फोन किया है, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। नवीन प्लीज मुझे बचा लो। ओके जानू तुम एक काम करो, तुम 5 लाख का बंदोबस्त करो। 5 लाख क्यों? हमारा मुंह बंद करने के लिए। अरे भाई हमें इस लाश को छुपाना होगा ना। आप लोग क्या लाश को नोटों में छुपाएंगे? जानू सीन लंबा ना करो, लाश से बदबू आने लगेगी, पड़ोसियों को पता चल जाएगा। जाओ जाओ अपने पापा को फोन करो, जल्दी करो। मैं फोन कर जाती हूँ। हाँ जानू जाओ, जल्दी जाओ, जानू जाओ। आप तो पीछे हटे ना, तू कर ले। ऐसे मौके बार बार नहीं आते माँ जी। यार नबील ये लड़की कभी भी होश में आ सकती है। महमूद साहब जब तक पैसे नहीं आते इसे होश में नहीं आने देना। गाड़ी लेनी है ना? हाँ भाई लेनी तो है। तो बस फिर मोमो इस लड़की को होश में नहीं आने देना। अच्छा टोन रखना इसको। ओ मां जी यार आप तो चुप करें। मैं वो साथ इस लाश को ठिकाने लगाना है। कौन सी लाश पतर? तुम तो चुप करो मोमो, जाओ जाके चाय बनाओ जाओ। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है ना। तो मां जी चाय बनाए। यूं करते हैं नबील के इस लाश के ना टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला देते हैं। नहीं मैं मुसाफ एक काम करते हैं इसे जला देते हैं। अरे नहीं यार घर में धुआं भर जाएगा और पड़ोसियों को शक होगा। फिर क्या करें मैं मुसाफ? मैं मुसाफ एक्शन। हाँ मैं मुसाफ मेरी बीवी परी जवानी में फांसी चढ़ जाएगी। नबील इस लाश को ना गाड़ी में डालकर किसी दरिया में जाके डुबा देते हैं। जानू फिर तुम एक काम करो अपने पापा से ना 5 लाख और मंगवा लो। क्यों किस लिए? जानी गाड़ी के लिए। गाड़ी क्यों चाहिए? क्या मतलब कौन देगा गाड़ी डुबाने के लिए? क्यों महमूद साहब? वाह नबील वाह। ठीक है मैं मंगवाती हूँ। हाँ जानू जाओ जाओ जानू। चले जी टी टाइम हो गया, आप लोगों की चाय लाची वाली दम करके ना लॉन में रख दी है मैंने। आए महमूद साहब चाय पीते हैं। यार अगर ये होश में आ गई तो मेरा ख्याल है महमूद साहब इसे 2-4 खुराके और दे देते हैं। इसको जो देनी है वो 2-4 खुराके हैं। हाँ जी माँ जी मत रोए मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तेरे लिए नहीं रो रही हूँ। फिर किस लिए रो रही है? एक जवान जहान हसीन लड़की दुनिया से रुखसत हो गई है। देखना क्या होगा तेरे साथ कब्र में। जन्नत में जाएगी तू जन्नत में। हाँ माँ जी चुप है। माँ जी वो लड़की आए भूत भूत। जिंदा हो? कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ? नबील नबील महमूद साहब आपके हाथों में जान नहीं है। अरे मेरे हाथों में तो जान है, लगता है इस डंडे में जान नहीं है। नबील ये जिंदा है। नहीं जानू ये जिंदा नहीं है, ये उसकी रूह है, तुमसे बदला लेने आई है। शट अप नबील, तुम मुझे झूठे कत्ल के केस में फंसा के मेरे पापा से पैसे ठग रहे थे। इसे कैसे पता चला? और महमूद साहब आप इसके साथ मिले हुए थे। इसने मुझे कहा था कि गाड़ी लेंगे, मैंने सोचा कि चलो नेक काम है इसकी मदद कर देता हूँ। महमूद साहब तुम कितने घटिया आदमी हो वैसे। नबील तुम पूछ रही हो जानू? नहीं बता रही हूँ, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे जलील इंसान से शादी की। तुम पैसे के लिए इतना गिर सकते हो? खूबसूरत
मैं अली अमरान नहीं हूँ, मेरी कुछ इज्जत है जमाने में। बकवास बंद करो, बकवास तुम बंद करो। खबरदार जो तुमने नहीं कॉल लव्स कहा तो। क्या जी, तुम मेरे शौहर की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती। शौहर? हाँ नबील, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? जानू, मुझे बड़ी अच्छी लगी है इसकी ये बात। दिमाग खराब हो गया क्या? ये मेरा शौहर है। जानती हूँ, इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। नबील, मुझे लगता है कि डंडा पड़ने से ना इसकी याददाश्त चली गई है। थैंक यू महमूद साहब, थैंक यू। मेरी याददाश्त कहीं नहीं गई है, आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? पापा? चलो चलो, मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की का पापा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपकी बहू तो हूँ ना। मुझे ये भी कबूल नहीं है। क्या रौला पाया हो यार लोगों ने है? माँ जी, हाय मेरा पुत्र जिंदड़ी क्या हो गया? देखिए ना, ये सब लोग कह रहे हैं कि मेरी याददाश्त चली गई है। आए खबरदार, मेरी बहू को किसी ने एक लफ्ज भी कहा होगा तो। माँ जी, आपकी बहू ये नहीं है, मैं हूँ खूबसूरत। ये ज्यादा खूबसूरत। माँ जी, आज पहली बार मुझे आप अपनी माँ लगी है। शट अप नबील, चल पुत्र लीडो खेले मेरे कमरे में। यार नबील, अब गाड़ी का क्या होगा? महमूद साहब मिट्टी डाले गाड़ी पर, मेरी तो लॉटरी निकल आई है। माँ जी, अभी इसी वक्त लड़कियों को घर से निकाले। माँ जी, तू होती कौन है मेरी बहू के बारे में एक लफ्ज भी बोलने वाली है? माँ जी, आपकी बहू नहीं है। और मैंने खुद बचपन में फरहान की शादी इससे की थी गांव में। कौन फरहान? मेरा पुत्र फरहान, और कौन? उसका नाम नबील है माँ जी। किसका? माँ जी, ये लड़की आपकी भूलने की बीमारी का फायदा उठा रही है। मैं नहीं, तुम माँ जी की भूलने की बीमारी का फायदा उठा रही हो। यू शट अप। और यू आप शट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू इन द आफ्टरनून, गेट आउट ऑफ माई रूम। माँ जी, आप तो क्या कमाल की इंग्लिश बोल लेती हैं। हैं, थैंक यू। तले हो सुन, लेटिस आउट आउट लेटिस टेलिंग मी ना के हाउ डेयर यू। यार नबील, वो लड़की तो जाने का नाम नहीं ले रही यार, उसे निकालो यहाँ से। महमूद साहब, आप मुझसे जलते हैं, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। जब एक खूबसूरत और जवान लड़की मुझे अपना शौहर मान चुकी है तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है कि मैं उसे घर से निकालूं? अरे उसकी याददाश्त चली गई है। कुत्ते ही? अरे नहीं, उस लड़की की। कोई नहीं महमूद साहब, मुझे किस्मत ने मौका दिया है, वो जब तक मुझे अपना शौहर समझ रही है मैं उस वक्त तक उसे अपनी बीवी समझूंगा। नबील भाई, मैंने तो इसको बहुत समझाया, ये नहीं मान रहा। मेरा ख्याल है अब उस लड़की को तुम अपनी सौतन तस्लीम कर ही लो। नहीं जानू, कर ही लो। बच्ची के साथ खेल रही हूँ। खबरदार जो मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया, निकलो यहाँ से। तुम ये सिर्फ इसीलिए कह रही हो ना क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं? मैंने अपने शौहर को तुमसे शादी की सिर्फ इसीलिए इजाजत दी थी ताकि उनकी औलाद हो जाए। अब क्या मैं इस बच्ची के साथ खेल भी नहीं सकती? क्या? निकलो यहाँ से, चलो मेरे कमरे से निकलो, चलो। खूबसूरत, तुम मेरी अचानक होने वाली बीवी के साथ इस तरह नहीं कर सकती। बस बहुत हो गया नबील, इस लड़की को घर से निकालो वरना मैं पापा को बुला लूंगी। हाँ तो बुला लो ताकि वो तुम्हें लेके जा सके। मुझे ले जाने के लिए नहीं आएंगे वो, तुम सबको यहाँ से निकालेंगे। अरे हम सबको क्यों? इस घटिया आदमी ने तुम्हें धोखा दिया, इसे निकालो सिर्फ। महमूद साहब, चलो नबील निकलो इस घर से। ठीक है मैं जा रहा हूँ, आओ भैया। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, तो हम इकट्ठे चलेंगे ना, आओ। नहीं नहीं भाईजान, मेरा काम हो गया। भाईजान? हाँ, मैं बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने आई थी, वो मैंने पिला दिए। सॉरी, थोड़ा ड्रामा करना पड़ा, लेकिन क्या करती, आप लोग मान ही नहीं रहे थे। नबील, महमूद साहब, मुझे लगता है इस लड़की की याददाश्त अब गई है। माँ जी। हाँ पुत्र। इस लड़की ने आपके बच्चे को पोलियो के ड्रॉप्स पिला दिए। क्या? हाँ। ध्यानाश, इसका मतलब है मेरे बच्चे को भी पोलियो हो जाएगा। और वेरी गुड माँ जी, वेरी गुड। एक और मारे ताकि याददाश्त वापस ना आए। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।